तो दोस्तों ये गाड़ी ड्राइवर साहब की ज़रा सी गलती की वजह से नीचे पलट गई, और गलती ड्राइवर साहब ने क्या की है वो मैं आपको इस वीडियो में अभी बताऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ में। हुआ क्या है कि इस गाड़ी का ड्राइवर जो है वो बिल्कुल नई उम्र का लड़का है, अगर थोड़ा सा तजुर्बेकार होता तो वो ऐसी गलती करता ही नहीं। और ये गाड़ी यहीं पर जहाँ पर ये आपको पलटी हुई नज़र आ रही है, हालांकि पूरी गाड़ी नहीं पलटी है, केवल ट्राली पलटी है, लेकिन जहां पर भी ये गाड़ी गिरी है वहीं पर खाली हो रही थी, यानी कि खाली करने की कोशिश कर रहे थे ड्राइवर साहब। और ड्राइवर साहब जैसे ही खाली करने चले वैसे ही इनकी ट्राली जो थी वो नीचे पलट गई। अब हुआ क्या है कि ये गाड़ी जो थी आप देख सकते हैं कि रोड के किनारे खड़ी हुई है और थोड़ा सा झुकी हुई थी, यानी कि दाहिने साइड में, राइट साइड में थोड़ी सी गाड़ी झुकी हुई थी। और झुकी हुई गाड़ी में ही ड्राइवर साहब ने क्या करा, जैक से गाड़ी को यानी कि बॉडी को इसकी उठाने की कोशिश किया। जो पीछे ट्राली नज़र आ रही है इसमें आपको जैक भी लगा हुआ नज़र आ रहा है, प्रेशर जैक जिसे बोलते हैं, इसको उठाने की कोशिश करी, लेकिन गाड़ी तिरछी होने की वजह से ये हल्की सी झोंक लगी और प्रेशर जैक आप देख सकते हैं जड़ से उखड़ गया है, यानी कि टूट गया है बिल्कुल नीचे जहाँ पर ज्वाइंट होता वहीं से टूट गया, और टूटने की वजह से इनकी ट्राली जो थी वो नीचे पलट गई। अब आप नीचे देख सकते हैं कि पूरा तेली तेल फैला हुआ आपको नज़र आ रहा है, हालांकि ये तेल जो है देखिए रोड पे भी दिख रहा है आपको पड़ा हुआ, ये कोई डीजल नहीं है बल्कि ये जो प्रेशर जैक के अंदर जो तेल भरा होता है वो सब पड़ा हुआ है। और देखिए किस कंडीशन में ये गाड़ी जो है यहाँ पर गिरी हुई है, हालाँकि इसको अभी JCB से खाली करा लिया गया, ये पत्थर इसके अंदर लोड था, वो सामने देखिए JCB खड़ी है, JCB ने यहाँ पे देखिए आपको निशान भी दिखाई दे रहे हैं, JCB ने इसको खाली कर दिया है, और हाइड्रा भी आ चुका है इसको उठाने के लिए, और कुछ देर के बाद जो है इसको उठाया जाएगा। लेकिन अभी इस गाड़ी का मालिक जो है वो आने वाला है, तो जब वो आएगा तभी ये गाड़ी उठाई जाएगी, और वो कितनी देर में आएगा इसके बारे में तो नहीं मालूम है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि ड्राइवर साहब ने क्या गलती की थी, वो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी ऊंची नीची जगह नज़र आ रही है, और मेरी सभी ड्राइवरों से निवेदन है कि जब भी गाड़ी आपकी अगर प्रेशर जैक वाली है और आप जैक लगाते हैं, जैक से गाड़ी को उठाते हैं, तो गाड़ी बिल्कुल प्लेन जगह पर खड़ा करिए, बिल्कुल प्लेन जगह पर, ज़रा सी भी ऊंची नीची ना हो, क्योंकि अगर गाड़ी झुकी हुई लेफ़्ट या राइट में कहीं पर भी झुकती है ज़रा सी भी और आपने अगर जैक से गाड़ी को उठाया तो गाड़ी जो है अनबैलेंस हो जाती है, और यही कारण होते हैं जो गाड़ी पलट जाती है। हालांकि पत्थर का वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग जानते ही हैं, और गिट्टी या मोरंग भरी होती है उसका भी वज़न बहुत ज़्यादा होता है। देखिए किस कंडीशन में गाड़ी खड़ी है, तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से जो है गाड़ी एकदम से झोंक मार जाती है और प्रेशर जैक उसको रोक नहीं पाता है, और गाड़ी इस कंडीशन में गिर जाती है। आप देख सकते हैं किस कंडीशन में गाड़ी गिरी है, आगे का घोड़ा जो है वो बिल्कुल सही सलामत है, और बॉडी से चेचिस से जो है बॉडी उखड़ चुकी है, और सीधी होने पर भी अभी ये चल नहीं पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और देखिए ये जैक इसका टूट गया है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।